गोरखपुर महाराजगंज के स्थानीय प्राधिकरण के भाजपा के प्रत्याशी सीपी चंद ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर जिलाधिकारी कोर्ट में नामांकन किया, जिसके संबंध में भाजपा के प्रत्याशी सीपी चंद ने कहा कि प्रत्याशी बनने से हमारे समर्थकों में काफी उत्साह है तथा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताकर हमको प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने कहा, चुनाव जीतने के बाद उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और जिस तरह से विधानसभा चुनाव में लोगों का जनसमर्थन देखने को मिला था, वही उत्साह मेरे साथ भी मिल रहा है और जनता के अंदर भी काफी उत्साह है, क्योंकि प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनने जा रही है, इसलिए मेरे सामने कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के MLC प्रत्याशी CP चंद और भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, नीलेश पीछे है, चलो चलो साथ में साथ अंदर चलो 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 Thank you.
भैया बूम यार तुम्हारा बैठ बैठा ना ओके सर थोड़ा सा भैया यार बंद कर एकदम फिर गया भैया समस्या पैदा कर देता है ठीक हो ना कितना बूम हमारे समर्थकों में कितना उत्साह है आप खुद ही देख रहे हैं और मैं सिर्फ धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने नेतृत्व का जिन्होंने हमें अपना प्रत्याशी बनाया भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का संगठन का प्रदेश अध्यक्ष जी का मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है अब उनके विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आप खुद ही बता रहे हैं तस्वीर स्पष्ट है ज़्यादा कुछ व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है जिस तरीके का विधानसभा में प्रदर्शन रहा वही जनसमर्थन और वही उत्साह आज भी आपको दिखाई दे रहा है जनता में है और ये तो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं ये तो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं तो ये इनका उत्साह देखते बनता है सरकार बन रही है और अपनी आकांक्षाओं की सरकार बन रही है तो उम्मीदें पूरी होंगी ये आकांक्षा है इसलिए उत्साह और दुगना हो गया आपको अनुमान लग रहा है कि कोई टक्कर है आपको क्या हमें तो नहीं दिख रहा है कहीं कुछ भी ये इस योगी जी की मोदी जी की प्रचंड आंधी में आपने देखा कि सारे किले ध्वस्त हो गए सारे लोगों के मंसूबों पे पानी फिर गया सारी मतलब जो डींगे थीं वो सारी जो हैं वो जनता के सामने आ गई तो अब जो है अब क्या बचा है उत्तर प्रदेश के अंदर स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सभी 36 सीटों पर चुनाव लड़ रही है गोरखपुर में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सीपी चंद जी हैं और जिस प्रकार से मोदी जी और योगी जी को आम जनता ने आशीर्वाद दिया है विधानसभा के चुनाव में और जिस प्रकार से आम जनता में एक उत्साह का माहौल है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारे प्रत्याशी बहुत ही सुयोग्य और कर्मठ हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सभी 36 स्थानीय लोकल वार्डी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी 25 मार्च को शपथ ग्रहण क्या किस तरह की तैयारी रहेगी 25 मार्च को हम सब की आस्था के केंद्र गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं और स्वाभाविक रूप में गोरखपुर में थोड़ा उसका उत्साह अधिक है गोरखपुर में हर लोग पहुंचना चाहते हैं योगी जी के शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बनना चाहते हैं लेकिन जहां लोग प्रत्यक्ष रूप में वहां साक्षी बनेंगे वहीं हम सब ने गोरखपुर के सभी ब्लॉक मुख्यालय पर सभी नगर पंचायत मुख्यालय पर और नगर निगम के सभी वार्डों में LED स्क्रीन TV लगा करके वहाँ 100-200 चेयर लगा करके प्रत्यक्ष रूप में योगी जी के शपथ ग्रहण समारोह को गोरखपुर की जनता भी देख सके ऐसी व्यवस्था हम सब ने बनाई है सभी चौराहों पर जगह जगह से पटाखे की व्यवस्था होगी सभी मंदिरों में लोग पूजा अर्चना कार्यक्रम करेंगे और गोरखपुर के नागरिकों से हम लोग सब अपील करते हैं कि जब योगी आदित्यनाथ जी महाराज 25 तारीख को शपथ ग्रहण लें तो गोरखपुर की जनता से हम सब अपील करेंगे अपने अपने घरों में दीपक जला करके एक बार पुनः दीपोत्सव का कार्यक्रम उस उत्साह के साथ मनाएं ऐसी हम सबकी योजना रचना और तैयारी है।